छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पूर्व डिप्टी सीएम टीएससी देव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टीएससी देव ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की कि वो भी अपने घरों से निकलें और मतदान करें। राधिका खेड़ा प्रकरण को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएससी देव ने कहा कि राधिका ने खुद व्यवस्था की एक गलती की। जब हमारे पार्टी के मीडिया अध्यक्ष आ रहे थे तब उनके कार्यक्रमों को गुपचुप तरीके से व्यक्तिगत तौर पर जाकर सारे मीडिया हाउस में समय तय कर लिया गया। अब अपनी बात को ढकने के लिए उन्होंने ये प्रचारित किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। खोखला है, देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बतौर के अलावा उसमें कुछ बात है नहीं। और जब उनने महसूस किया कि लोग अब उसको हल्की भाषा में फेंकने वाली बात पे ले जा रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, अब उनने बंद भी कर दिया। अब वो 370 भाजपा लाएगी, कश्मीर में 370 लागू किया, अब 370 सीट लाएगी, अब बात नहीं आ रही। खुद ही उनने आकलन कर लिया है कि वो स्थिति नहीं है। राधिका ने खुद एक गलती की, एक व्यवस्था की गलती की कि जब हमारे प्रदेश देश के मीडिया अध्यक्ष आ रहे थे तो उनके कार्यक्रमों को गुपचुप तरीके से व्यक्तिगत तौर पे जाके सारे मीडिया हाउसेज में टाइम वाइम तय कर लिया। तो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जब उनको ये पता चला, मीडिया वालों ने कहा कि आप लोग तो बताए नहीं ऐसा कुछ है कि आ रहे हैं क्या, कोई आई थी वो कह रही है कि उनका कार्यक्रम है, आपके यहाँ आएंगे मिलने के लिए। उस पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग को लेके चलते, हम लोग भी जाते, आप कोऑर्डिनेटर हैं, AICC से आए हैं, ठीक है, तो कम से कम हम लोग के भी संबंध मीडिया से हैं, वो बने रहने चाहिए कि यहाँ अगर हमारे बॉस आ रहे हैं तो बॉस के कार्यक्रम के लिए हम भी तो जाके बात करें मीडिया हाउस से, हमारे भी संबंध बने रहते हैं, वरना लगता है कि इनकी तो कोई वक़्त नहीं है। प्रदेश पदाधिकारियों की वक़्त नहीं है ऐसा लगेगा। तो इस बात को जब उनने रखा तो वो उल्टा रिएक्ट की। अब अपनी बात को ढांकने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रचारित कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ दूरी बार। आनंद शुक्ला मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वैसे व्यक्ति नहीं है, वरना मैं महिला पक्ष का प्रथम व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ, पहली बात मैं महिला की मान लूंगा। तो उन्होंने कुछ कहा तो मैं गीता की बात को लेके चलूंगा, हाँ नहीं कुछ बात होगी, जब मैंने पता किया तो बात एकदम कुछ और नहीं। ठीक ही है, ठीक है। देखिए दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दे के भाजपा ज्वाइन कर लिया है, ये उन्हीं से जुड़ी हुई है, ये तो रास्ता बनाने वाली बात। मैं चाहूंगा कि मैंने अपना मत का प्रयोग सोच समझ के जिस पक्ष के लिए किया है वो पक्ष जीते और उन्हें देश की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिले। अच्छी उम्मीदवार है, ये दुर्भाग्य होगा सरगुजा के लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों का अगर इस मौके पे ऐसे युवा प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे।